Hello everyone, I am S.K. Mishra, Lab Diagnostic Expert, Lab Franchise Consultant, Diet Psychologist, Believe in Simplicity and on a Mission to Improve Lives. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे बहुत सारे मिथ्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अदर सोशल मीडियाज पे कि कैसे कैसे तरीके से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे एक बड़ा ही कॉमनली एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें कि एक डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कैसे एक नेबुलाइजर के थ्रू आपके पास, अगर सपोज आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो आप एक नेबुलाइजर से आप उसको एज ए ऑक्सीजन सब्सिट्यूट के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के सब्सिट्यूट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। फिर दूसरा एक चीज़ सर्कुलेट हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि कैसे कपूर, अजवाइन, लौंग और अदर इंग्रेडिएंट्स एंड सम ऑयल डाल के उसको लगातार उसको इनहेल करेंगे तो उसको इनहेल करने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तो इस ये एक चीज़ आ रही है। फिर तीसरा एक पॉइंट एक और आ रहा है कि एक होम्योपैथिक की दवा है जिसका सर्कुलेट किया जा रहा है कि ये दवा जो है वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है और बनाए रखती है लगातार, मतलब मेंटेन भी करती है। इस तरह के क्लेम किए जा रहे हैं ये सब चीज़ों के ऊपर। तो आज हम ये तीनों क्लेम के बारे में बताएंगे और डिस्कस करेंगे कि मतलब इनमें कितनी सच्चाई है और क्या फैक्ट है एक्चुअली में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें जो पहला वाला जो पॉइंट था कि नेबुलाइजर को एज ए अल्टरनेटिव टू ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन थेरेपी के सब्सिट्यूट तौर पर बताया गया है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो बेसिकली नेबुलाइजर होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। नेबुलाइजर एक सिंपल मशीन है जो कि बेसिकली किसी भी तरह की दवाई को लंग्स में डायरेक्टली पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं। आमतौर पर छोटे बच्चों में यूज़ किया जाता है नेबुलाइजर को, जहां पर कि हमें उनको लगता है कि उसको नेबुलाइज करना है। स्पेशली उसमें दो तीन ड्रग्स यूज़ करते हैं मुख्य रूप से, जैसे साल्बुटामोल के रेस्पुल्स आते हैं, उसके अलावा लिवोसाल्बुटामोल के रेस्पुल्स आते हैं, इसको हम लिवोलिन के नाम से जानते हैं, अस्ट्रिन के नाम से जानते हैं रेस्पुल्स आते हैं, ब्यूडिकॉर्ट आता है, इस तरह के रेस्पुल्स आते हैं जिनको कि उसमें एज ए दवाई के फॉर्म में डालते हैं। और नेबुलाइजर करता क्या है, उस दवाई के जो लिक्विड फॉर्म में जो दवा है उसको बेसिकली एरोसॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल फाइन एरोसॉल के कन्वर्ट करता है, जिससे कि हम उसको इजीली इनहेल कर सकें अपने सांस के थ्रू। जब अंदर लें डायरेक्टली लंग्स में पहुंचे वो दवा, और अगर लंग्स में पहुंचने के बाद जो 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 ब्रोंकियल्स हैं, बेसिकली कह लीजिए लंग्स की जो छोटी छोटी धमनियाँ हैं, लंग्स के जो पार्ट हैं, उनको वो फैला सके, या उसको ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर यूज़ करते हैं स्पेशली, तो ये उसमें यूज़ होता है। और रही बात जो उसमें क्लेम किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर के, वो एज ए आप सिंपल आप उसको हवा में इतनी ऑक्सीजन होती है कि उसको आप सिंपली अगर लगाएंगे बिना दवाई के भी तो भी आपको उतनी ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो ये प्योरली एक फॉल्स क्लेम है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर विद एनी नेबुलाइजर टू सब्सटीट्यूट एज ए ऑक्सीजन थेरेपी, और इससे लोगों की जान भी जा सकती है अगर इस तरह की अगर वो चीज़ें यूज़ करते हैं इस तरह का चीज़ें। हाँ, लेकिन नेबुलाइजर कैसे हेल्प कर सकता है अगर कोई पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अगर लगातार गिर रहा है सपोज, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन थेरेपी उपलब्ध नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो उस केस में नेबुलाइजर को उसमें कुछ दवाई डाल के यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट एज ए ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे यूज़ ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स यूज़ करके एटलीस्ट कुछ समय के लिए समय मिल बाय कर सकते हैं, एटलीस्ट ये कह सकते हैं कुछ समय मिल जाएगा। तो उतनी देर में वो अरेंज करें बेड का अरेंज करें या फिर साथ में अरेंज करें ऑक्सीजन थेरेपी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर या अदर चीज़, वो उतना समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप ये ड्रग्स हैं स्पेशली अस्थलिन के रेस्पुल्स आते हैं या लिवोलिन या ब्यूडिकॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये आप हर एक एक घंटे में या दो दो घंटे में यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। हाँ, वहाँ पर ये हेल्प कर सकता है नेबुलाइजर, बट एज ए ओनली विदाउट ड्रग्स देर इज़ नो यूज़। सो ये एक पहला फैक्ट था इस चीज़ के बारे में। दूसरा एक जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है कि कपूर, अजवाइन, लौंग और कुछ ऑयल मिला के उसको इनहेल करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और जबकि ये तो मतलब एक्चुअली में कपूर जो है बेसिकली कपूर, अजवाइन, लौंग, ये सारी चीज़ें बेसिकली टॉपिकल सूदिंग एजेंट्स हैं जिनको भी बहुत सारी क्रीम्स में और अदर चीज़ों में यूज़ किया जाता है। टॉपिकल मतलब होता है कि स्किन पे लगाने वाली क्रीम्स होती हैं, उनको टॉपिकल क्रीम्स बोलते हैं, उसके तौर पे यूज़ किया जाता है। और कपूर एक ऐसी चीज़ है जिसको कि जिसका अगर ज़्यादा मात्रा में इनहेल किया जाए तो इट कैन बी टॉक्सिक, जैसा कि CDC मतलब बेसिकली सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अटलांटा ने भी इस बारे में एक अपनी रिसर्च पब्लिश करी थी कपूर के ऊपर। उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि एक्सेसिव इनहेलिंग जो है कपूर की वो एक टॉक्सिक हो सकती है शरीर में जाके। तो और ऑक्सीजन से तो कोई संबंध है ही नहीं इन सब चीज़ों का कहीं से किसी भी तरह से। हाँ, इतना हो सकता है कि नेजल डिकंजेशन है, किसी की नाक बंद है तो उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, वो भी टेम्पररली, बट देर इज़ अ नो एविडेंस कि इसमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ से इसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। अब तीसरी वो आती है जो मिथ चल रहा है इसमें कि होम्योपैथिक ड्रग है,
इसको कि क्लेम किया जा रहा है कि इसको इसको यूज़ करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और साथ ही ऑक्सीजन लेवल मेंटेन भी रहता है। तो जो होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं उनसे डिस्कस किया जब इस ड्रग्स के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये ड्रग बेसिकली एक प्रकार के ब्रोंको डायलेटर है। ब्रोंको डायलेटर मतलब वो दवाई है जो कि लंग्स की कह लीजिए बारीक नलिकाएं हैं या लंग्स के जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको फैलाने का काम करती है। अगर उनको फैला देंगी तो जो जो एयर का या जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो थोड़ा सा ईजिली ब्रीथ करने में आसानी मिलती है। तो जो कि ऑलरेडी वो काम तो रेस्क्यूल जो हमने बताया मैंने आपको जो एस्थलिन है या ब्यूटिकॉर्ड है या अदर ड्रग्स भी आती हैं जो कि ब्रोंको डायलेटर तौर पर यूज़ होती हैं वो भी कर सकती हैं। हाँ, और साथ ही साथ जो जो होम्योपैथी के एक्सपर्ट हैं वो ये बोलते हैं इस दवा के बारे में कि ये जो जो दवा है बेसिकली ये 90 से कम का जिनका भी ऑक्सीजन लेवल है उसमें तो यूज़ कर ही नहीं सकते और जहाँ भी जो ऑक्सीजन थेरेपी का सब्स्टिट्यूट है उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है इस दवा को, इससे ब्रोंको डायलेटर के तौर पर यूज़ होती है। और रही बात मेंटेन करने की तो सो देयर इज नो सच क्लेम और नो सच एविडेंस अवेलेबल एनीवेयर इन एनी काइंड ऑफ मटेरिया मेडिका और एनी होम्योपैथिक, उसमें होम्योपैथिक एक्सपर्ट भी यही बात बोलते हैं कि ऐसा कोई वो नहीं है क्लेम बनता कि परमानेंटली तौर पर किसी का भी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकती है। तो ये कुछ मिथ हैं जिनके बारे में लोगों को बचना चाहिए और सही जानकारी के तौर पर इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो इसके लिए बनाया जिससे कि सही जानकारी पहुँच सके सभी के पास तक। सो थैंक यू वेरी मच।